सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज, आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोफोन। डिज़ाइन आप देख ही सकते हो और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और ये किस टाइप से वर्क करता है और इसको मैंने कैसे बनाया है वो जानने के लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरे एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको चाहिए कार्डबोर्ड रोल। ये कार्डबोर्ड रोल आपको किसी भी पुराने एल्यूमिनियम फॉइल या फिर बुक कवर के अंदर से मिल जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग एक 3.7 वोल्ट लिथियम बैटरी के होल्डर को रखकर मार्क बना लेंगे। मार्क को हम लोग कुछ इस टाइप से बनाएंगे कि एक साइड छूट जाए, जिससे कि वो फोल्ड होने में आसानी हो। इसके बाद हम लोग जो बैटरी होल्डर है इसको कोनों को राउंड शेप में घिस लेंगे। अब जो हमने कार्डबोर्ड का रोल लिया था उसी के शेप का हमें एक छोटा सा पीस कट करना है, जो कि उसके बॉटम में कुछ इस टाइप से फिट हो सके। इसके बाद आपको चाहिए एक 2 पिन का कनेक्टर। उसका जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसके हिसाब से इस वाली सीट में एक छोटा सा होल बना लेना है। होल कट करने के बाद फीमेल कनेक्टर में हम लोग 2 वायर्स को कनेक्ट करेंगे और उसको इसमें से पास करके इसके अंदर अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे। अब हम इसको और मजबूत बनाने के लिए इसके पीछे पूरा का पूरा ग्लू गन से ढक देंगे, कुछ इस टाइप से। और इसके साथ ही हम लोग बैटरी होल्डर में भी 2 वायर्स को कनेक्ट कर देंगे। अब हम इन दोनों को एक एक करके कार्डबोर्ड रोल के अंदर फिट कर देंगे। पहले हम लोग फीमेल कनेक्टर वाले पार्ट को ग्लू गन की मदद से चिपका देते हैं। उसके बाद हम लोग बैटरी होल्डर को जो हमने पीस कट करा था उसके अंदर कुछ इस टाइप से फिट कर देंगे। इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। हमने जो फीमेल कनेक्टर कनेक्ट करा था उसके बाहर वाली साइड में थोड़ा सा गैप बच गया था, तो उसको फिल करने के लिए हम लोग कैरम पाउडर या फिर कहीं बोरिक एसिड इसके और फैब्रिक्विक के मिक्सचर को इसमें फिल करेंगे। और इसको सूखने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। सूखने के बाद ये कुछ स्टेप से दिख रहा है, पेंट करने के बाद ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद आपको चाहिए एक स्लाइड स्विच, एक 3 ओम की LED और एक 12 ओम का रेजिस्टेंस। कार्डबोर्ड रोल के फ्रंट एंड में हम लोग स्विच और LED के लिए एक एक होल बना लेंगे उनके शेप का ही। हमने स्विच के एक एंड में रेड वायर को कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड में दूसरे वाले रेड वायर जो कि आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर देंगे। और फिर स्विच को हम लोग उसके वाले होल में फिट कर देंगे और फिर ग्लू गन की मदद से या फिर फैब्रिक्विक की मदद से उसको अच्छी तरीके से चिपका देंगे। अब हम LED में 12 ओम वाले रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको कार्डबोर्ड रोल में कुछ इस टाइप से फिट कर देंगे। इसके बाद आपको चाहिए एक PAM8403 एम्पलीफायर मॉड्यूल और एक 470 μF 25 वोल्ट कैपेसिटर, 12 के ओम का रेजिस्टेंस और एक इलेक्ट्रॉनिक माइक। हम सबसे पहले कैपेसिटर के पॉजिटिव को ऑडियो एम्पलीफायर के लेफ्ट इनपुट ऑडियो वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को पॉजिटिव वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है और उसके दूसरे वाले टर्मिनल को कैपेसिटर के नेगेटिव वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। और फिर माइक के नेगेटिव को इनपुट ग्राउंड वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है और पॉजिटिव को कैपेसिटर के नेगेटिव वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है। सर्किट पूरा कंप्लीट होने का कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसको रोल के अंदर फिट करने से पहले हम लोग बैटरी के 2 वायर्स और साथ ही इसके आउटपुट के स्पीकर के जो 2 वायर्स है उनको हम लोग फीमेल वाला जो कनेक्टर है उसके 2 वायर्स के साथ सोल्डर कर देंगे। फिट करने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब हम इसके टॉप में फिट करने के लिए एक कॉक के जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको कट कर ले रहे हैं। इसके बीच में हम लोग सोल्डरिंग आयरन की मदद से एक होल करेंगे जहां को हम लोग माइक को फिट करेंगे। अब मैं पहले इसके बीच में से 2 वायर्स को पास कर लेता हूँ जो कि आपके माइक के हैं। फिर इसमें मैं माइक को सोल्डर करने के बाद अंदर प्रेस करूंगा तो माइक अच्छी तरीके से फिट आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसको ग्लू गन की मदद से अच्छी तरीके से ढक दूंगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक माइक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, लेकिन ये दिखने में अभी उतना अच्छा तरीके से दिख नहीं रहा, तो इसको मैं पूरी तरीके से एक व्हाइट पेंट कर दूंगा और जिसका अपर वाला पार्ट है उसमें ब्लैक पेंट कर रहा हूँ। पेंट होने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। मैंने इसके अंदर 3.7 वोल्ट 2000 mAh कैपेसिटी वाली लिथियम सेल फिट कर रखी है। इसको टेस्ट करने के लिए एक स्पीकर ले रहे हैं। इसका जो वायर होगा उसका लेंथ कम से कम 2 मीटर रखना आप, और साथ ही इसका जो वॉट है वो 3 वॉट होना चाहिए क्योंकि जो हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल वो भी 3 वॉट का ही है। अब मैं आपको इसको गाने बजा के सुनाता हूँ। गाने की जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल एकदम कम में रख रहा हूँ जिससे कि आपको इसकी पावर दिख जाए। जैसा कि आपने देखा हमारा माइक कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इतना लंबा वायर क्यों लिया, क्योंकि जैसे ही मैं इस माइक को स्पीकर के पास लेके जाऊँगा तो इसमें से एक अजीब सी आवाज़ बजनी स्टार्ट हो जाएगी जो कि मैं अभी आपको बजा के भी सुनाऊँगा। इसी बजा जैसी आवाज़ की वजह से मैंने इस माइक को इतनी दूर रखा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉच।